और 9 करोड़ 21 लाख की योजनाओं का लोकार्पण आज किया गया है। शिवपुरी हापुड़ और एक जनपद एक उत्पाद के लाभार्थी और श्री गौतम ये सौभाग्य योजना के लाभार्थी हैं। हम लोगों ने इस पवित्र मोक्षदायिनी गंगा के दोनों तटों पर भी आयोजित होने वाले इस मेले का प्रांतिकरण करके व्यवस्था की है कि आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, दोनों की एक अच्छी परियोजना तैयार होनी चाहिए। इस मेले की दृष्टि से इस वर्ष हमारे सामने एक चैलेंज था, गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान करना। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हमारी सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान किया है, जो 6,000 करोड़ रुपए बाकी है। मैंने 30 नवंबर तक का समय गन्ना विभाग को दिया कि हर हाल में 30 नवंबर तक गन्ना मूल्य का भुगतान हो। इसके लिए हम लोगों ने 4,000 करोड़ रुपए का एक सॉफ्ट लोन भी शासन से उपलब्ध कराया है। पिछली सरकारों ने जितनी चीनी मिलें बंद की थी, उन चीनी मिलों को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके वापस ला करके यहाँ के नौजवानों के नौकरी और रोजगार के और किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने की दिशा में हम कार्य करने जा रहे हैं।